Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, students. Today we are starting the lesson number 9 of the book. Second, part 1st, Hunger and Population Explained by Anna McKenzie. Now, I'm starting the text. What is it like to be really hungry? Sahi maano mein bhooka hone se kya murad hai? Ye sahi maano mein bhooka hona kaisa hota hai? I expect, main tawakko karta hoon, that at some time, ke kisi waqt, You have all come, आप तमाम लोग आए होंगे होम घर, आप तमाम लोग घर आए होंगे after an energetic game of football or netball, कोई football या netball की तेज़ रफ्तार game करके और या after a few hours या चंद घंटों के बाद when you have been too busy to eat, आप इतने मसरूफ रहे होंगे कि खा ही नहीं सके होंगे and said और कहा होगा I am starving, मैं भूखा मर रहा हूँ. But this hunger did not last long. लेकिन ये भूख ज़्यादा देर नहीं रही होगी. If your meal was not ready for you, अगर आपका खाना तैयार नहीं भी था आपके लिए, after a few slices of bread and butter, मक्खन और रोटी के कुछ टुकड़े लेने के बाद, you forgot all about those hunger pangs. तो आप अपनी भूख की अजियत को भूल गए होंगे. बट हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील ऑफ अ होल डे. हंगर का मतलब, भूख का मतलब ये नहीं है मिसिंग वन मील के आपको एक वक्त का खाना ना मिले और इवन मील्स फॉर अ होल डे या फिर तमाम दिन खाने को ना मिले. इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है नेवर हैविंग एनफ टू ईट, कि आपके पास मुनासिब मकदार में खाने को मैसर ही ना हो. इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है When you have had something to eat, कि जब आपके पास कुछ खाने को मौजूद हो भी, you are not being satisfied, तो आपको इत्मीनान ही ना आए. And still feeling, और फिर भी आप महसूस कर रहे हो, you could eat at least as much again, कि आप कम अज़ कम इतना ही और खा सकते हैं. It also means, यानी इस पिछली लाइन का मतलब ये है कि आपकी आँखें ही ना भरें. It also means, इसका मतलब ये भी है A situation, एक ऐसी सूरत हाल in which, जिसमें you are always wondering, आप सोचते ही रहें, परेशान ही रहें, where the next meal is coming from, कि अगले वक्त का खाना कहाँ से आएगा, और even if there will be a next meal, और अगर अगले वक्त का खाना मुयसर भी हो, फिर भी आप ये सोचते रहें कि अगले वक्त का खाना कहाँ से आएगा. आर्थर होपक्राफ्ट ऑफ द गार्डियन, गार्डियन के आर्थर होपक्राफ्ट सेड ने कहा ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चों के बारे में, आफ्टर विजिटिंग, दौरा करने के बाद आ न्यूट्रिशियन सेंटर, एक गजाइत के सेंटर का, इन कीनिया, कीनिया के अंदर एक गजाइत के सेंटर का दौरा करने के बाद, कीनिया में एक गजाई मरकज़ के दौरे के बाद, गार्डियन के आर्थर होपक्राफ्ट ने भूखे मरते बच्चों के बारे में कहा था दे आर द चिल्ड्रन, ये ऐसे बच्चे हैं Whose eyes stare, जिनकी आँखें पथरा गई हैं या जिनकी आँखें घूरती हैं as if, जैसा कि blind, जैसे कि वो अंधे हों. Whose legs, जिनकी टांगें and arms और बाजू are like sticks of licorice, वो मलट्ठी की लकड़ियों की तरह हैं. बेटा मलट्ठी की लकड़ियाँ जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं. Who neither cry, जो ना रोते हैं nor laugh, ना हंसते हैं. And who we 10 pounds at the age of 2 years, और जिनका वज़न 2 साल की उम्र में 10 pounds होता है. Famine has been a problem since the beginning of time. कहत has been a problem, मसाइल ही रही हैं since the beginning of time, शुरू वक्त से ही. The early hunter, इब्तदाई शिकारी, suffered grave shortage, शदीद किस्म की किल्लत की अजियत झीलते थे ड्यूरिंग द विंटर मंथ, सर्दियों के महीनों में. एंड क्वाइट ऑफन दीज वर सीरियस एनफ, और अक्सर बेशतर ये इतनी संगीन होती थी टू मीन स्टॉविशन फॉर हिम एंड हिज फैमिली, कि इसका मतलब उसकी और उसके कुनबे की फाका कशी. वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ फेमाइन वॉज कार्व्ड इन ग्रेनाइट बाय एन इजिप्शियन फैरो.
कहत के इब्तदाई रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड मिस्र के फिराउन ने पत्थर पर कंधा किया था। ही सेड, उसका कहना था, ड्यूरिंग माई रेन, मेरे अहद हुकूमत में, द नील हैज़ नाट बीन इन फ्लड फॉर 7 years। दरियाए नील में 7 साल तक तुगयानी नहीं आई थी। कॉर्न इज सैक्रेस एंड फूड इज लैकिंग, गल्ला बहुत कम है और ख़ुराक की किल्लत है। दोज हु रेन कैन नाट इवन वॉक, वो जो कभी दौड़ा करते थे अब चल भी नहीं सकते। द फूड बिन्स आर ब्रोकन ओपन एंड एम्पटी, गल्ला दानों को तोड़कर खोला गया है मगर वो खाली हैं। इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, ये हर चीज़ का खात्मा दिखाई देता है। वी रेड इन द बाइबल ऑफ मैनी केसेस ऑफ फेमाइन, हम अंजील में कहत के कई वाक़यात पढ़ते हैं। देयर वार 7 years ऑफ फेमाइन इन इजिप्ट, मिस्र में 7 साल कहत पड़ा। एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड और गिरदोनवा के देहात ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जोसेफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यानी हज़रत यूसुफ के ज़माने में मिस्र और इसके गिरदोनवा के देहातों में 7 साल कहत पड़ा। वाइड स्प्रेड डिसास्टर, बड़ी तबाही, वाज ओनली अवर्टेड, सिर्फ उसको रोका गया बाय द प्रीवियस कंपल्सरी स्टोरेज ऑफ फूड, साबका लाजमी खुराक का ज़खीरा करके अंडर जोसेफ्स मैनेजमेंट, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़ेरे इंतज़ाम। ड्यूरिंग प्लेंटिफुल हार्वेस्ट, वाफर मकदार में पैदावार के दौरान, यानी महज हज़रत यूसुफ के ज़ेरे इंतज़ाम वाफर पैदावार के दौरान खुराक के साबका लाजमी ज़खीरे की बदौलत बड़ी तबाही को रोक लिया गया। इजिप्ट वाज सेव्ड फ्रॉम फेमाइन, इजिप्ट भी महफूज रहा कैसे बाय दिस नेशनल एफर्ट, इस कौमी कोशिश से। बट मैनी पीपल इन द सराउंडिंग कंट्रीज, गिरदोनवा के ममालिक के बहुत से लोग वर लेफ्ट हंगरी, मगर गिरदोनवा के ममालिक में कई लोग फाका कश रहे। जोसेफ्स ओन ब्रदर्स केम टू इजिप्ट फ्रॉम पैलेस्टाइन टू बाय ग्रेन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाई गल्ला ख़रीदने के लिए फ़लस्तीन से मिसर आए। फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू अबाउट 1800, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत से लेकर 1800 तक, देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फेमाइन इन यूरोप इन 350 डिफरेंट ईयर्स, यूरोप में 350 मुख्तलिफ सालों में कहत के रिकॉर्ड मौजूद हैं। 1 फेमाइन एवरी 5 years, यानी यूरोप में हर 5 साल बाद एक कहत आया। इन इंग्लैंड, बरतानिया में ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी दौर में देर वॉज एट लीस्ट 1 major फेमाइन, एक बड़ा कहत पड़ा एवरी 10 years, हर 10 साल बाद। दीज वार जनरल फेमाइंस, ये अमूमी बड़े कहत थे। वन अ लार्ज एरिया ऑफ द कंट्री वॉज इफेक्टेड, जब मुल्क का एक बड़ा इलाका मुतासर होता था। बट देर वर मैनी मोर लोकल फेमाइंस, लेकिन मकामी कहत तो इनसे कहीं ज़्यादा थे। वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ दीज फेमाइंस फ्राम आवर फोकलोर, हम अपनी लोक कहानी से इन कहतों का हल्का सा तासुर ले सकते हैं। द स्टोरीज ऑफ रोबन हुड ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेज विद रोबन हेल्पिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रोबन हुड की कहानियों में अक्सर मुकामी तौर पर खुराक की किल्लत का जिक्र मिलता है, जिनमें खुराक की नकलो हमल में मदद करता है। रॉबिंग द रिच टू फीड द पुअर और पोचिंग फॉर देम फ्राम द रॉयल फॉरेस्ट, गरीबों को खिलाने के लिए अमीरों को लूटता या उनके लिए शाही जंगलात से नजायज़ तौर पर शिकार करता दिखाई देता है। बट फेमाइंस इन यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे इलाकों की नस्बत यूरोप में पड़ने वाले कहत नस्बता बहुत कम संगीन थे। चाइना हैड 90 major फेमाइंस इन 1 century, चीन में 1 सदी में 90 बड़े कहत पड़े हैं। 9.5 million पीपल पेरिश्ड इन अ सिंगल फेमाइन, 95 लाख लोग एक ही कहत में हलाक हो गए।
विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना इन द लास्ट सेंचुरी, जो पिछली सदी में शुमाली चीन में तेजी से फैल गया था। द रशियन फेमाइन इन 1921-22 किल्ड सेवरल मिलियन पीपल। रूस में 1921-22 में पड़ने वाले कहत ने कई मिलियन लोगों का सफाया कर दिया। 10 million डाइड इन द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल 1969-70। 1969-70 में बंगाल में पड़ने वाले बड़े कहत में 10 million लोग हलाक हो गए। एस रिसेंटली, जैसा कि हाल ही में, एस 1942 इन बम्बई, जैसा कि 1942 में बम्बई में 1 million स्टार्व टू डेथ, 1 million लोग भूखों मर गए। व्हेन द राइस क्रॉप फेल्ड, जब चावलों की फसल कम हुई इन इंडिया में इन 1964-65, 1964 से 65 तक, देयर वाज द वर्स्ट फेमाइन ऑफ द सेंचुरी, सदी का संगीन तरीन कहत पड़ा, ओइंग टू द फेलियर ऑफ द मूनसून, मूनसून की नाकामी की वजह से। एंड मैनी कंट्रीज गेव एड ऑन अ लार्ज स्केल, और बहुत से मुल्कों ने बड़े पैमाने पर इमदाद की एंड ट्राइड टू हेल्प, और मदद करने की कोशिश की। हावर इम्पोर्टेड फूड कुड नाट सॉल्व द प्रॉब्लम, ताहम दरामदी खुराक भी मसला हल ना कर सकी। इवन इफ देर हैड बीन एनफ अवेलेबिलिटी, द पोर्ट्स कुड नाट कोप विद ऑल द शिप्स ब्रिंगिंग द कार्गोज। अगरचे खुराक काफ़ी मकदार में दस्तियाब हो गई थी, लेकिन बंदरगाहें सामान लाने वाले जहाज़ों को सहारी ना सकें। एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स वर सो ग्रेट, और नकलो हमल के मसाइल इतने ज़्यादा थे, दैट द फूड कुड नाट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड एंड हार्डेस्ट हिट एरियाज। दैट के द फूड कुड नाट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, के खुराक जो है वो तकसीम ही ना हो सकी टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड, बहुत सारे अलग थलग एंड हार्डेस्ट और सख्त तरीन हिट एरियाज जो मुतासर इलाके थे, उन पर खुराक पहुँचाई ना जा सकी। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, इंडिया स्टिल फेस्ड एंड इवन वर्स थ्रेट ऑफ फेमाइन। इंडिया को कहत के एक बदतर खतरे का सामना था। फेमाइन मे बी कॉज्ड बाई मैनी थिंग्स, कहत पड़ने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। एक ये कि जो हमें खुराक मुहैया है, मकदार के हिसाब से लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो। इट मे बी दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिजीज़, ये भी हो सकता है कि बीमारी की वजह से फसलें ख़राब हो गई हों। थाउजेंड्स इवन मिलियंस विल डाई ऑफ स्टारवेशन बिकॉज ऑफ फेमाइंस कास्ड बाई लैक ऑफ रेन, कहत जो बारिश की कमी के सबब आते हैं, इनसे हज़ारों लाखों आदमी भूखों मर जाते हैं। इन फैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टूडे नाट ओनली इज देयर नाट एनफ फूड, बट ईच ईयर देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट। हकीकत ये है कि आज दुनिया में सिर्फ यही नहीं कि खुराक काफ़ी नहीं है, बल्कि हर साल इसे खाने के लिए और बहुत से लोग हो जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग, रादर लाइक अ गिगेंटिक स्नोबॉल विच नॉट ओनली गेट्स बिगर एज इट रोल्स बट गोज फास्टर एज वेल। दुनिया की आबादी बर्फ के इस बहुत बड़े गोले की तरह मुसलसल बढ़ती जा रही है, जो लुढ़कते हुए न सिर्फ जसामत में बढ़ता जा रहा है, बल्कि इसकी रफ्तार में भी इजाफा होता चला जा रहा है। हाफ अ मिलियन ईयर एगो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी स्मॉल, 5 लाख साल कबल दुनिया की आबादी बहुत कम थी, बट सिंस देन इट हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, मगर उस वक्त से लेकर ये बदतदरीज बढ़ती चली जा रही है। अनटिल बाय द बर्थ ऑफ क्राइस्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200 to 300 million,
यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक दुनिया की आबादी तकरीबन 200 से 300 मिलियन यानी 20 से 30 करोड़ तक थी। द नंबर डबल्ड बाय 1650 एंड बाय 1850 डबल्ड अगेन टू 1000 मिलियन। ये तादाद 1650 में दुगनी हो गई और 1850 में फिर दुगनी होकर 1000 मिलियन यानी 1 अरब हो गई। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ओवर 3000 मिलियन। अब दुनिया की आबादी 3000 मिलियन यानी 3 अरब से ज़्यादा है। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट विच वुड डबल द नंबर इन ओनली 40 ईयर्स। दुनिया की आबादी जिस शरह से बढ़ती जा रही है इसके मुताबिक सिर्फ 40 सालों में दुगनी हो जाएगी। आ ट्रिमेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ टेकिंग प्लेस। आबादी में इस कदर ज़बरदस्त इजाफा धमाका खेज इजाफा बन जाएगा। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट अनलेस द ग्रोथ इज़ चेक्ड इन सम वे within 2 or 3 centuries there will only be enough room on the earth for people to stand up। ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि अगर किसी तरीक़ा से इस आबादी में इजाफे को ना रोका गया तो फिर ये 2 या 3 सदियों में दुनिया में इतने लोग होंगे कि उन्हें ज़मीन पर खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगी।